Hello friends, and welcome to another video of Care Market Gurukul. We all hope that आपकी दिवाली काफी अच्छी गई होगी, आपने काफी enjoy किया होगा, celebrate सबसे importantly इसको responsibly celebrate किया होगा, and we do wish you all the best for the upcoming जो next दिवाली तक हम चाहते हैं कि आप trading के जरिए या market के जरिए काफी अच्छा पैसा यहाँ पे चीजों को लॉजिकली सीख के बना सके। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो में हम लोग यहाँ देखेंगे कि व्हाट आर द कंसोलिडेशन पैटर्न्स एक्चुअली क्या होते हैं और उनको हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो आप ये हमारे वेबसाइट टेलीग्राम और कोरा के एड्रेस हमने यहाँ पे दिए है, आप नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन्हें देख सकते हैं। आप यहाँ पे हम टेलीग्राम में काफी अच्छे अच्छे इंसाइट्स और कुछ हमारे जो कुछ कॉल्स होते हैं या वो सब चीजें हैं, हम कॉल्स नहीं बोलेंगे, हमारे ऑब्जर्वेशन जो होते हैं चार्ट्स पे हम उन्हें यहाँ पे शेयर करते हैं, और कोरा पे भी हम यहाँ पे एक्टिव होते हैं। कभी कुछ आपको कुछ हमें पूछना है या कुछ क्वेरी आपकी है तो आप डेफिनेटली इन मीडियम का यूज करके हमें रीच कर सकते हैं। हमारे जो पर्सनल नंबर टेलीग्राम नंबर है, पर्सनल नंबर्स भी हमने नीचे दिए हुए हैं, बट जैसे आप क्वेरी उनमें पूछ सकते हैं बाय ड्रॉपिंग अ मैसेज और बाय वाई व्हाट्सएपिंग अस बट कॉन्टेक्टिंग अस टू टेलीग्राम, एंड इन केस एज एंड व्हेन वी गेट टाइम विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली कंसोलिडेशन की डेफिनेशन क्या है। कंसोलिडेशन मतलब आप सभी को पता है कि वो टर्म क्या होती है। इट इज एक्चुअली अ टर्म फॉर स्टॉक एंड सिक्योरिटी दैट इज इन अ नैरो रेंज, नाइदर कंटिन्यूइंग नॉर रिवर्सिंग अ लार्जर प्राइस ट्रेंड। सो इन अ वे कंसोलिडेशन कुछ एक स्पेसिफिक जगहों पे मिलता है। जनरली हम देखते हैं कि आइदर द स्टॉक यू गेट अ कंसोलिडेशन व्हेन इट इज व्हाट इन अ अप मूव आफ्टर अ गुड मूव ऑन अपसाइड दैट इज कंसोलिडेटिंग, and from there it can either continue the up move or it may reverse back to its next support level. Similarly, it may the stock may remain sideways, काफी दिनों तक वो sideways रह सकता है, तो वो भी चीजें आपको जो है consolidation से कब निकलेगा वो कोई नहीं बता सकता, nobody can tell, but वो हाँ जब consolidation से whenever the breakout will happen तब वो काफी आपको अच्छा वहाँ पे move और trading opportunity मिल सकती है। तो कंसोलिडेशन पीरियड्स को इंडिसिसिवनेस और कॉशियस जो है हम उसे बोलते हैं, और कंसोलिडेशन को आप जो है इन तीन प्रॉपर्टीज जो रहती है उन तीन प्रॉपर्टीज जनरली वो डिफाइन करती है उस पैटर्न को। तो एक तो है कि उसका स्टेडी डिफाइनेबल जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए जो है इधर उस कंसोलिडेशन जोन के आसपास, तो वो जनरली एक तरीके से एक फ्लैग एंड पैटर्न जो है वो बनाते हैं, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे जो फ्लैग कंटिन्यूएशन पैटर्न है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो हमने अभी बताया कि नैरो ट्रेडिंग रेंज में जनरली वो होता है और वोलेटिलिटी उसकी काफी गिर जाती है, और लास्ट फीचर उसका जनरली वो होता है कि उसमें वॉल्यूम्स नहीं होते। कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ना कोई बड़ा बायर या बड़े सेलर, मतलब एक तरीके से फाइट चल रही होती है दोनों में, और वॉल्यूम्स उस जोन में जनरली मिसिंग होते हैं एंड कोई बड़े स्पाइक्स नहीं होते वॉल्यूम के, तो तब हम ये एक्चुअली कंसोलिडेशन जोन की प्रॉपर डेफिनेशन है। फिर हम देखते हैं कि एक्चुअली कुछ टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन पैटर्न्स होते हैं। तो एक तरीके से अब हम देखेंगे फॉलिंग वेज जो एक पैटर्न हमको बोलते हैं कि वो लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, और अगर ये फॉलिंग वेज से जैसे आप देख रहे हैं कि ट्रेडिंग रेंज नैरो होती जा रही है, जैसे इससे ब्रेकआउट देता है तो वो एक तरीके से काफी फास्ट अप मूव यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। बुलिश रेक्टेंगल में मतलब एक तरीके से पैरेलल और फ्लैट कंसोलिडेशन जोन होता है। तो उसके बाद भी कौन से भी साइड में अगर ये एंट्री देती है जहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो वहां पे उसके हिसाब से आपको टारगेट और स्टॉप लॉस आपके डिफाइन हो जाते हैं। बुलिश पेनेंट ये कैसा रहता है कि एक तरीके से हमने जो देखा है एक तरीके से वो हायर जो लोज है आपके वो हायर लोज बनते हैं और लोअर हाइज बनते हैं, तो एक तरीके से रेंज काफी काफी नैरो हो जाती है, और हम अक्सर ये देखते हैं निफ्टी में या फिर कभी कुछ इसमें निफ्टी का रेंज हमारा इनिशियली एक मूव के बाद काफी नैरो हो जाता है, उसके बाद एक फिर वो अब वो वापस रिज्यूम कर देता है। राइजिंग वेज एक तरीके से होता है कि एक डाउन मूव एक तरीके से काफी फास्ट होने के बाद थोड़ा सा स्टॉक
साइडवेज तरीके से कंसोलिडेट होने लग जाता है. तो यहाँ पे वो बायर्स ट्राई करते हैं स्टॉक को सपोर्ट करने का, बट अल्टीमेटली वो जो उनका सपोर्ट जो लेवल होता है वो एक तरीके से फेल हो जाता है और वो स्टॉक फिर नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है. बेयरिश टेक उसमें आप देख सकते हैं कि सेम बुलिश का एक रिवर्स फॉर्म होता है. बेयरिश पेनेंट सिमिलरली जो हमारा रिवर्स डायरेक्शन ऑफ अ बुलिश पेनेंट जो होता है. तो उस तरीके से जैसे अलग अलग ये कुछ पैटर्न है स्टैंडर्ड पैटर्न कंसोलिडेशन के जो जनरली ट्रेडर्स या इन पैटर्न का वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन काफी नैरो रेंज में हो रहा है तो आपके एक्चुअली स्टॉप लॉसेस काफी छोटे यहाँ पे हो जाते हैं. तो ये जो चीजें हैं ये एक्चुअली मेजर पैटर्न है. तो उसके बाद हम सीधा चलते हैं हमारे जो कुछ स्टॉक्स जो है हम उन्हें देखते हैं कि हमारे स्टॉक्स यहाँ पे कैसे रिएक्ट करते हैं उन पे कंसोलिडेशन जोन पे. लाइव एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं. तो आज के यस बैंक का चार्ट है. अब यस बैंक देख सकते हैं कि एक तरीके से वो काफी बुलिश था मॉर्निंग में. उसने काफी एक तरीके से स्ट्रांग मोमेंटम था, बाइंग वॉल्यूम्स भी काफी बढ़िया थे और एक तरीके रेंज में फिर ये लॉक हो गया. अराउंड एक रुपए के रेंज में काफी देर तक लॉक हो गया, 10:15 से 11:50 तक, मतलब अराउंड 2 घंटे के अराउंड ये इस रेंज में लॉक हो गया. और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने रेंज को ब्रेक कर दिया और एक नेक्स्ट कैंडल में सडनली अब 1% का मूव दे दिया, फिर वापस साइडवेज गया एंड वो फिर अगेन अपना ट्रेंड उसने कंटिन्यू किया. तो अब जो है कंसोलिडेशन रेंज को ट्रेड कैसे करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अब हमें पता है कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में आ गया है. तो सबसे पहले आप उसके हाई और लो जो है वो मार्क कर दीजिए. और हाई और लो मतलब विक्स को हमें डिस्काउंट करना है जो आपके क्लोजिंग है कंसोलिडेशन की, उनपे आपको एक्चुअली नजर होनी चाहिए. और जैसे ही अगर कोई क्लोजिंग आपको उसके ऊपर मिलती है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए. आप जनरली यहाँ पे अलर्ट्स भी सेट कर सकते हैं, जैसे भी आपके स्कैनर्स या फिर जो चीजें हैं आप उसको यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है इसमें ठीक ठाक वॉल्यूम है, बट कंसोलिडेशन के अब दो एंट्रीज है. अगर जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो करता है कि वो 1 मिनट में जाके या लोअर टाइम फ्रेम में जो भी 1 मिनट 3 मिनट वहाँ पे आप देखते हैं वहाँ पे वो वॉल्यूम देखें. यहाँ पे मुझे देखना है कि ये जो रेंज ब्रेकआउट हो रही है ये रेंज है या दूरी रेंज है, तो रेंज ब्रेकआउट हो रही है तो रेंज ब्रेकआउट हो रही है वॉल्यूम कैसे, तो यहाँ पे ठीक ठाक वॉल्यूम है. तो एक तरीके से फिर आपके रिस्क एपेटाइट में वो ट्रेडर के आ जाता है कि उससे यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है. तो 1 रुपए का स्टॉप लॉस अगर है और वो अपना जितना स्पेस है उस हिसाब से अगर वो ट्रेड करे तो फिर वो वहाँ पे अपना रिस्क एपेटाइट उसके हिसाब से डिफाइन कर सकता है. अब हम देखते हैं सिमिलरली जेट एयरवेज का. जेट एयरवेज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी कंसोलिडेशन जोन में लॉक था और जैसे ही कंसोलिडेशन जोन ब्रेकआउट हुआ विथ वॉल्यूम तो आप देख सकते हैं इसने 262 से अराउंड 253 का मतलब 8 से 9 रुपए का मूव बहुत ही फास्ट बना. तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है ये मार्केट आपको आपके पेशेंस का रिवॉर्ड है, बिकॉज आपको नहीं पता है कि कौन से जोन में वो कंसोलिडेशन है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जोन का ब्रेकआउट हुआ कंसोलिडेशन के यहाँ पे. और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें अब ये भी देखना है कि उसका भी ब्लॉकेट तो है नहीं. कभी कभी क्या हो जाता है कि कंसोलिडेशन आपने ब्रेकआउट तो हो गया बट वो रेजिस्टेंस जोन पे बंद हो जाता है. ये उसका रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे दिख रहा है. तो फिर उस तरीके से फिर कैसा है कि आप अगर इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर भी अगर ट्रेड लेते हैं तो फिर आपको उस जोन के अंदर वो स्टॉक सडनली नहीं आना चाहिए. अगर वो सही में बुलिश होता अगर आप ले भी लेते हैं ट्रेड तो इस जोन के अंदर उस स्टॉक को काफी मतलब जल्दी नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बार बायर्स आ गए तो वो 2-3 इतनी जल्दी वो स्टॉक को नहीं छोड़ेंगे अगर उसने बायर किया. और वॉल्यूम भी इसका मतलब इतना कोई खास था नहीं, अभी ठीक ठाक था. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारा ये वाला जोन के नीचे भी उसने ब्रेक बना लिया और कन्विंसिंगली मतलब पूरा जो ब्रेक उसने जो क्लोजिंग दी है वो काफी कन्विंसिंग थी. तो यहाँ पे भी जो है अगर कोई ट्रेडर है वो रिस्क अगर उसका जैसा है तो यहाँ पे 2 रुपए का रिस्क लेके वो अराउंड 1% का रिस्क लेके इसको शॉर्ट कर सकता है, या फिर अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है और वो यहाँ पे उसको जल्दी पकड़ लेता है तो वो फिर अराउंड यहाँ पे ट्राई करेगा कि ये इसी जोन के अराउंड वो से शॉर्ट कर ले, इस जोन के अराउंड वो से शॉर्ट कर ले, राइट. तो ये सब जो चीजें है कंसोलिडेशन आपको जो है स्टॉक्स के लिए जनरली जो एज इन स्कैनर्स वगैरह होते हैं लोग कुछ NR4 NR7 नैरो रेंज के वो यूज करते हैं, इंट्राडे के लिए इतना वो यूजफुल नहीं है. और आप ये भी देख सकते हैं कि जो स्टॉक मोस्टली
कंसोलिडेशन रिंग में काफी दिनों से लॉक है। जैसे ये बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है डीएचएफएल का। ये डीएचएफएल आप देखिए, जब वो 600 से 280 पे आया था, उसके पहले आप उसका जोन देखिए, अराउंड 17, 18, 19 जो उसका सितंबर है, तो उस टाइम फ्रेम में ये बहुत ही नैरो रेंज में चला गया था स्टॉक, एकदम नैरो रेंज में। आप देख सकते हैं उसके पहले भी, इनफैक्ट 12 तारीख को भी बहुत ही ज्यादा नैरो रेंज में स्टॉक चले गया था। और आप देखिए मूव के पहले का इसका रेंज भी, मतलब ये 1-1.5 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए के इसमें ये कर रहा है। तो ये यहाँ पे समझना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक कोई बड़ी हलचल करने वाला है अभी, तो मार्केट में आपको प्राइस एक्शन या वगैरह आपने पहले ही आपको बता दिया है कि ये स्टॉक इतना साइडवेज जा रहा है इतने कम रेंज में, मतलब अब यहाँ पे यू कैन से साइलेंस बिफोर द स्टॉक, सो इट मे लास्ट ऑन एनी साइड। और यहाँ पे हम देखते हैं जो उसका मूव स्टार्ट हुआ उसके बाद, तो फिर तो उसने रुकने का नाम ले लिया। तो ऐसे ही रहता है कि कभी कभी हम क्या रहते हैं कि कभी अरे इतना गिर गया, अब कितना गिरेगा, हम यहाँ बाय कर लेते हैं। बट हम मार्केट को कभी भी इतना मतलब टेक ग्रांटेड मत लीजिए। आपको चीजें हम रिटेल ट्रेडर्स को नहीं पता होती अंदर क्या है, और कभी ऐसे मूव्स आपको मिल जाए। तो अगर किसी ने इसको ट्रेड भी करना चाहा, या अगर इसने किसी ने पकड़ा भी इसको यहाँ पे, तो वो आप सोचिए उसका रिवॉर्ड, मतलब ये कैंडल नहीं है, अगर उसका रिवॉर्ड है तो 10-12 रुपए का। और फिर ये कंसोलिडेशन अगेन, यहाँ पे जो बोलेंगे हम ट्रेंड कंटिन्यूशन के पहले कंसोलिडेशन हुआ वापस, और जब इसको ब्रेक किया तो फिर तो ऑल हेल ब्रोक लूज, और ये स्टॉक एकदम नीचे जो है गिरा था। ब्रेक सिमिलरली रिलायंस जब अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आप अप ट्रेंड में यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई जो स्टॉक है वो हमेशा अप ट्रेंड में जब जाता है तो कंसोलिडेट हो रहा है, और फिर वापस वो अप ट्रेंड जा रहा है कंसोलिडेट, और फिर अप ट्रेंड। तो जनरली ऐसे स्टॉक का जो स्ट्रांग अप ट्रेंड होते हैं, तो वही होता है कि वो अप जैसे मल्टीपल डेज के जो अप ट्रेंड होते हैं, तो वो ऐसे ही जाके ऊपर जाते जाते कंसोलिडेट होते रहते हैं, नैरो रेंज में लॉक हो जाते हैं और फिर वो चलते रहते हैं। तो आप देखिए, आप बोलेगा रिलायंस इतना बढ़ गया, आप कितना बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट जो है स्टॉक को कहाँ से कहीं भी ले जा सकते हैं। आपको मार्केट को सिग्नल देना, मतलब जो है उसके लिए वेट करिए कि अगर आपको सेलिंग लेना है या आपको लग रहा है कि आप बाइंग से भी निकल रहे हैं, तो लेट द मार्केट गिव यू सिग्नल टू एक्सेल। टिल द टाइम आप उसको जो है जैसा आपको ट्रेंड मिल रहा है उसकी तरह आप ट्रेड कीजिए, तो आपको डेफिनेटली आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी और आपके प्रॉफिट्स काफी ज्यादा जल्दी ग्रो करेंगे, राइट। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कंसोलिडेशन। आपको अगर कुछ इसमें और चीजें चाहिए और जो एज इन आपको कोई इंसाइट चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमें जो है यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई डू होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू।